अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन ये चिकन बिरयानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि ये वन पॉट है, वन पॉट में ही हम बनाएंगे। इसके लिए हम अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। यहाँ पर मैंने कुछ गर्म मसाले ले लिए हैं। इसका ना हमें एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। आप मिक्सी में थोड़ा सा इसे चला लेना, लेकिन पानी वगैरह हमें इसे कुछ भी ऐड नहीं करना है। हमें सिर्फ इसे ड्राई पाउडर की तरह रेडी कर लेना है। इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये बिरयानी मसाला है स्पेशली हम इस बिरयानी में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप राइस ले लिया है। यह अराउंड 500 ग्राम होगा, हाफ़ के जी। इसे हमें वॉश कर लेना है और पानी में थोड़ा सा सोक करके रख लेना है। आधे घंटे के लिए हम इसे सोक कर लेंगे वॉश करके। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका जितना भी पानी था वो सारा रिमूव कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक वेसल ले लिया है, इसमें मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें हम 2 बड़ी साइज़ की अनियन डालेंगे। इसे मैंने बारीक कट कर लिया है और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये बिरयानी में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं लगते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो अनियन है वो ब्राउन हो गया है, तो इसमें से हम 1/2 अनियन है ना वो निकाल लेंगे या हम बाद में यूज़ करेंगे और आधा उसी में रख देंगे। यहाँ पर मैंने 1 तेज़पत्ता ऐड किया है और 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है ताकि हमारा जो बिरयानी का कलर है वो ख़राब ना हो। और यहाँ पर मैं 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड कर लिया है। और साथ ही में मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, वो वीडियो नहीं आ पाया, तो आप इसे ऐड कर लेना। और साथ में ही हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और इसे ना हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। चिकन का हमें थोड़ा सा पका लेना है बेसिकली। ये देखिए इस तरह से हम मसालों के साथ चिकन को भून लेंगे। अच्छी तरह से हमें भूनना है और इसकी लीड लगा देंगे और 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। 10 मिनट्स के बाद जब आप इसे रिमूव करोगे ना, तो आपके मसाले कुछ इस तरह से हो जाएंगे। चिकन भी 1/2 डन हो गया है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हम 1/2 कप दही ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से चला लेंगे हम। दही को आप फेंट के डालिएगा और इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये वही पाउडर है जो गरम मसाला हमने बना के रखा था, बिरयानी मसाला, तो वो ऐड करने के बाद उसे भी हम अच्छी तरह से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और 10 मिनट्स और इसे इसी तरह से पका लेंगे। ये देखिए से भूनते जाइए 10 मिनट्स के बाद। अभी हम इसमें राइस हमारे ऐड करेंगे। तो ये देखिए, हमने जो राइस को वॉश करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसे ना हमें बहुत ही हल्के हाथों से स्टर करना है। और इसमें पानी है काफ़ी, तो जो पानी हम इसके हिसाब से डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी 1 कप पानी है। तो मैंने 2 कप राइस लिया था और यहाँ पर मैंने 2 कप पानी ऐड किया है और 1 कप पहले से इसमें था तो 3 कप हो गया। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे इस पानी को। तो ये देखिए, पानी जब इस तरह से ड्राई हो जाएगा ना, इसमें पानी नहीं है अभी, तो ये ड्राई हो गया है। तो हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। ऑरेंज फूड कलर मैंने डाला है, ये ऑप्शनल है। और साथ में थोड़ी से हम ब्राउन अनियन इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। जब अच्छी तरह से इसमें से धुआं निकलने लगे तो हम इसे ढक के पकाएंगे। ढक के हम इसे दम पे रखेंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद जब आप इसे ओपन करोगे ना, तो आपकी ये बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो देखा कितना आसान है बिरयानी बनाना, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं लगी इसे बनाने के लिए। ये देखिए, मैं आपको निकाल के बता देती हूँ। और इसका टेस्ट बिल्कुल बिरयानी जैसा आता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी बिरयानी। और ये चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। राइस आप देख सकते हो कितने खिले खिले बने हैं।
ये देखिए चिकन भी हमारा अच्छी तरह से प्रॉपर कुक हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये बिरयानी बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।